हर हर महादेव, करौली शंकर महादेव की जय। आप सभी भक्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे। आप सदा सुखी, स्वस्थ, खुश रहें। आपके घर में सदा प्रेम का दीपक ऐसे ही प्रज्वलित रहे। सबसे पहले तो हम हमारे सद्गुरुदेव भगवान को, हमारे गुरुदेव करौली शंकर महादेव बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। उनकी वजह से हमारी हर सुबह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी होती है। आज मैं नई नई साड़ी पहनी हूँ और हम आ गए हैं भैंस का दूध लेने, क्योंकि हमें गाय का दूध नहीं मिल रहा है। ये छोटी सी गाय का बच्चा अभी जन्म हुआ है, देखो कितनी प्यारी दिख रही है। और ये खेत का नज़ारा देखो, गांव, खेत, गाय, भैंस, प्रकृति कितनी खूबसूरत, कितना सुकून देने वाला ये दृश्य है। साड़ी पहन के आई थी सवेरे सवेरे, आज कल दीपावली है, आज काली चौदस है, तो हम सोचे कि तीन चार दिन अच्छा अच्छा नया नया साड़ी पहनूंगी। लेकिन जब यहाँ पे आती हूँ रूम पे, रूम का हालत देखती हूँ, फिर दिमाग हो जाता है खराब, फिर साड़ी वाड़ी निकाल, फिर वही पुराने कपड़े में आके अब पूरी साफ सफाई करती हूँ। आज पूरा झाला वाला साफ करूँगी, वो ये अंदर का ही पूरा घर वर क्लीन एकदम। और इसमें आप मेरा साथ देना, देखो ना मेरे चेहरे से देख के आप लोग लग रहा होगा कि मैं कितनी अच्छी बन के आई थी, लेकिन यहाँ पे आके सब चेंज चांग कर रही हूँ, कोई कुछ पुराना कपड़ा पहन ली हूँ। चलिए तो अब फटाफट साफ सफाई कर लेते हैं। कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए हैं, ये पुराने कपड़े हैं, पुराने कपड़ों में ही साफ सफाई करूंगी। झाले निकालने हैं और थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा देंगे, और कुछ दिए खरीद के लेके आए हैं उसको धो के अच्छे से रख लेंगे और बाती बना लेंगे, और कल के दिन पूरा घर हम दीपों से सजा देंगे। और साथ ही हमारे दरबार के लिए भी हम लोग कुछ दिए लेके आए हैं, वहाँ पर भी हम दीप दान करेंगे। देख सकते हैं ना सारा दिया है। ये मेरे घर में कौन आ रही है, ये क्या आओ थोड़ा, चलो सावित्री। अरे 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 कौन आ रही है मेरे घर में, आए सावित्री आ रही है, आए हाय सावित्री, सावित्री सावित्री क्या हुआ, आए अरे 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 प्यार से कदम बढ़ा रही हो धीरे धीरे, अरे 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 इतने प्यार से कदम कौन बढ़ाता है, अरे अरे सावित्री आगे जा रही है, अरे अरे मम्मी के पास जा रही। ये आप देख रहे हैं इनके हाथ में ये भैंस का बच्चा, अभी इसका जन्म हुआ है और इसका नाम हमने रख दिया है सावित्री, कितना प्यारा नाम है। चलिए आपको एक जगह लेकर चलते हैं। हमने जो अपने घर पे डॉगी पाला था वो प्रेग्नेंट थी, तो उठा लूंगी। हाय अरे बाहर आओ यार, कहाँ कितना अंदर दी है यार बच्चा, ये तो करिया तो एक करिया है, एक करिया है और सफेद है, उठा है फंसी नहीं है, दूध पिला रही है, इतना दूर देखो कहाँ के बच्चा दी है, और पूरा गुफा बना दी है उसके अंदर दी है। कितने हैं, पाँच छः है ना, दो चार पाँच, कितने प्यारे हैं, एक सफेद है पूरा। करीवा बड़ा सुंदर लग रहा है, जो करीवा सफेद है ना, काला और सफेद, वही लूंगी मैं, ये निकलना जा रही है। तुम कहाँ थी, तुमको ढूंढते ढूंढते आ गए हम, है रोज माँ हमको प्यार करती थी और दिख नहीं रही थी, देख रहे हो यही है वो जो इतना दूर आके बेबी दी है। इसका एक फोटो निकाल लो ना, दबाओ इसका एक फोटो निकालना है, इधर इधर
चलो इसको बैठने में पता चल गया। अब आते रहेंगे अब हम आते रहेंगे तुम्हारे बच्चों से मिलने। ओए ओए करू बाबा मेरा करीबा देखो ना कैसे घूम रहा है। चलो बेचारा मत देखो। एक दो चार पाँच ही है, मैं बोली थी ना पाँच लोग आएंगे और पाँच ही आए हैं। बहुत सुंदर है करीबा, करीबा बहुत सुंदर है। चलो अभी लोगों को दूध पिलाएंगे आप। चलो हट जाओ। ए करुआ वो उसका पता नहीं चला इसका। जो दूसरी वाली थी ना इसकी मम्मी इतनी सेफ जगह दी है, हमने आखिर पता कर ही लिया, हमने आखिर पता कर ही लिया इसके बच्चों को। देख रहे हो इसको, ये जब मैं बोली थी ना कल कि कल रात को जन्म दे दिए तो वो परसों रात को ही जन्म दे चुकी थी यहाँ पे, परसों रात को ही जन्म दे चुकी थी, ज़्यादा दूर नहीं थी। अपने बच्चों के संग खूब खुश है यार। अभी लाएंगे ना इडली, अभी ला के इडली खिलाएंगे है। अभी नहीं, पहले साफ सफाई कर लिया जाए। पांच को हाँ, एक सफेद है, एक सफेद तरिया है, एक पूरा सफेद है। भाई सॉरी क्या बोल रहे हो? हाँ अरे क्या बात कर रहे हो, गुस्सा रही है? अरे क्यों डरा रहे हो यार? बहुत मस्ती करते है। उसका नाम सावित्री लग दिए। सावित्री, ये सावित्री क्या कर रहे हो? दूध नहीं मिला क्या? दूध नहीं मिला सावित्री को है? दूध नहीं मिला क्या सावित्री को? इसका दूध कोई और पी रहा है, हम लोग पी जा रहे हैं इसका दूध, तो तुम्हारा दूध हम लोग पी जा रहे हैं, छोरी इसके लिए। तो चलिए अब हम काम कर लेते हैं। ये ढेर सारे दिए हमने अच्छे से धो लिए हैं, अब इसको सुखाने के लिए रख देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे हार्ड होता है हाउसवाइफ बनना। जब से मैं हाउसवाइफ बनी हूँ तब से मुझे समझ में आता है, मैं हाउसवाइफ भी हूँ साथ में अपना बिजनेस भी करती हूँ, तो ये बहुत हार्ड होता है इतनी सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना। इसीलिए जितनी भी हाउसवाइफ मेरा वीडियो देख रही हैं सबको सैल्यूट है, आप लोग को नमन है, आप लोग बहुत मेहनत करती हैं। मैं खुद कर रही हूँ ना इसीलिए मुझे पता चल रहा है। तो हमारा व्रत था इसीलिए हम साबूदाना की खिचड़ी बनाने की तैयारी हमारी चल रही है। कुछ सब्जी थी, सब्जी यानी टमाटर धनिया और मिर्चा ये सब काट के रख लिए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं गैस पे हमने अपना चूल्हे पे रख दिया है। ये है इसके अंदर मसाले, मसाले यानी कि अपना जो हम घी डाले हैं, जीरा डाले हैं, मिर्ची डाले हैं, साथ में आलू है। आलू को बॉईल करके भी डाल सकते हो लेकिन मैंने क्या कच्चा ही पतला पतला कच्चा ही काट लिया था, इसी में तेल में तलते तलते ही ये पक जाता है। तो और उसके बाद मैंने इसके ऊपर ये सींग डाला जो होता है ना मूंगफली, थोड़ा उसको बारीक बारीक खून के ये ऊपर से मैंने डाल दिया है। आलू पक जाएगा तो साबूदाना डाल के बढ़िया उसको पका देंगे और उसके बाद खाने लायक हो जाएगा, फिर आप लोग खा सकते हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे घर पे ना ये जो है ये सीमेंट और रेती मिलाकर मैं इसको अपने घर को ना पैक कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ चूहे ऐसे हैं जो घर के अंदर ही पूरा खन के रख दिए हैं। तो मैंने देखो कुछ गड्ढे हो गए थे दो तीन, जो मैंने इसको बढ़िया से एकदम से बंद कर दिया। किचन में भी हमारा हो गया था तो यहाँ पे भी मैंने सीमेंट और सब डाल के पैक कर दिया है। ठीक है, देखते हैं अब क्या करते हैं इन लोग, कल ही पता चलेगा। ये देखो पानी भी भर लेते हैं, पानी भरने के बाद पूरा बर्तन पड़ा है बर्तन माँज लेंगे और पूरा ये जो डिब्बा दिख रहा है ना डिब्बा सब खाली है। तो आज एक बार पानी भर देती हूँ तो दो से तीन दिन हमारा निकल जाता है। एक बार मोटर चालू होता है, बगल में चाचा रहते हैं तो उनको थोड़ा सा हम उनको डेली, उनकी भैंसें हैं तो भैंसों को पानी पीने के लिए पानी देते हैं, साथ में जब बोरिंग चालू करते हैं तो अपना भी पानी वानी भर लेते हैं, दो तीन दिन हमारा आराम से निकल जाता है। ढेर सारी बर्तन भी हो गई हैं, अभी बर्तन को भी साफ करके रख देंगे, फिर दो दिन मैं करूँगी आराम। दीपावली है तो दीपावली में कोई काम नहीं, कोई इडली बेचना नहीं, कुछ नहीं करना, बस इंजॉय करना, माँ बाबा के दरबार में आनंद ही आनंद करना दीपावली के दिन। हमारे गुरुदेव के द्वारा कल अभिषेक होने वाला है दिवाली के दिन, तो उस अभिषेक में हम बैठेंगे। साफ सफाई देखिए बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पे कर लिए, बर्तन वर्तन सब साफ कर लिए, अब इसको रख देंगे। पूरा पानी वानी जो है ना ये सब बाहर दिख रहा है, सब हम लोग शटर के अंदर रख देते हैं, नहीं तो फिर कोई भी जानवर अगर आएगा कुत्ते बिल्ली जूठे कर सकते हैं, इसलिए वो अंदर रखने के बाद ही हम
शटर बंद करते हैं। अब झाले वाले देखो फिर से साफ़ कर रही हूँ। झाले वैसे मैंने एक दिन पहले साफ़ कर लिए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कर लिया जाए आज के दिन भी, तो मैंने ये भी कर लिया है। कैसा लगता है मेरा वीडियो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट करना और शेयर भी करना, आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं चाहे वो देखे चाहे ना देखे, अगर आप हमें पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। और आप लोग अपने परिवार के बीच रहिए, दीपावली खूब धूमधाम से मनाइए, ठीक है। आप लोगों से मिलते हैं नए वीडियो में। आप सभी को हरिहर, आप सभी को जय बाबा की, करौल शंकर महादेव की जय। आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में माँ बाबा की कृपा से माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की अपार कृपा बनी रहे, आप लोग समृद्ध बने, सुखी रहें, खुश रहें। हर हर महादेव, करौल शंकर महादेव की जय।